हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। नाउ कहते हैं यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, पर पूजने की बात दूर है, यहाँ तो वुमेन को बेसिक अधिकार भी नहीं मिलते। और बेसिक अधिकार में आता है राइट टू अबॉर्शन व्हेन शी इज नॉट रेडी टू कैरी अ चाइल्ड। तो आज हम उसी सेंसिटिव इश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर गवर्नमेंट हैज़ पास्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो आज हम इस एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पर शुरुआत करेंगे जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें क्या प्रॉब्लम है हम उसके बारे में देखेंगे, साथ में देखेंगे अमेंडमेंट के साथ नए एक्ट का स्वरूप कैसा है, इसके साथ वी विल डिस्कस कि जो नया एक्ट है उसमें भी क्या इश्यूज हैं, और साथ में देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का। तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं आपका जो सबसे पहला एक्ट था MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। बट उस एक्ट के आने से पहले भी क्या अबॉर्शन नहीं होते थे? होते थे, उससे पहले होते होंगे, बट इट वॉज अ क्रिमिनल एक्ट। उस एक्ट के आने से पहले अबॉर्शन इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म वॉज एक्चुअली अ क्रिमिनल एक्ट अंडर सेक्शन 312 ऑफ द IPC। तो उससे पहले IPC डील करता था, जिसने कम्प्लीटली अबॉर्शन को क्रिमिनलाइज कर रखा था। बट लेटर ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया आपका 1971 के अंदर, जिसके अंदर अबॉर्शन अलाउ तो कर दिया गया, बट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। उस रिस्ट्रिक्शंस में है, सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही ज़्यादा कंबर्शन प्रोसेस था कि आप पहले जाके मेडिकल प्रैक्टिशनर से जाके रिक्वेस्ट लो। अगर एक पर्टिकुलर वीक से पहले पहले आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ये बेबी नहीं चाहिए, राइट, और अगर आप वो टाइम पीरियड भी क्रॉस कर गया तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इमेजिन कीजिए वो कोर्ट जहाँ पे सिर्फ 14% हमारी जो केस डिस्पोजल रेट है और एवरेज 15 ईयर्स हैं आपके केस के डिस्पोज होने के, उस पूरे दरमियान में तो बच्चा आपका बड़ा हो जाता, टर्मिनेशन की तो बात बहुत दूर है, राइट। सो दिस वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जहाँ पे आपका जो टाइम आपके पास अवेलेबल होता है वो कम होता है। इतने नैरो टाइम में आप कोर्ट के चक्कर काटोगे, सो दिस ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में प्रॉब्लम ये होती थी, सिंस ये आपके पास चॉइस कम हो जाती है कि आप यहाँ पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करो, तो अनसेफ अबॉर्शन होने लगे थे। और इस अनसेफ अबॉर्शन का सबसे बड़ा रिजल्ट था कि मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट आपकी बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स, इसके डेटा के हिसाब से हमारी कंट्री में 10-13% डेथ ऑलमोस्ट इस तरीके के अनसेफ अबॉर्शन की वजह से हो जाती है। 10-13% ऑफ मेटर्नल डेथ आपकी इस वजह से हो रही है। सो दिस इज़ अ वेरी वरीसम न्यूज़ कि देखा जाए तो सबसे पहले प्रोसेस बहुत कमरसम है, उसके साथ इससे बचने के लिए जो औरतें अपनी जान को खतरे में डालती हैं। और भी प्रॉब्लम थी कि सिर्फ प्रोसीजरल इश्यूज़ नहीं थे, इश्यूज़ एथिकल भी थे। बिकॉज अंडर दिस एक्ट जो आपकी वुमेन है, इसको एक्ट को इतना रिग्रेसिव माना जाता था कि जो वुमेन है उसके पास बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं है, रिप्रोडक्टिव राइट नहीं है, और इसी के साथ इट ऑल्सो स्टिग्मेटाइज द सेक्स आउटसाइड द मैरिज। बिकॉज इसका ना वेरी एक फेमस प्रोविजन है इन विच कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर को आप रीज़न बता सकते हो कि आप अबॉर्शन क्यों चाहिए। अबॉर्शन के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे या तो फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, या फिर आप रेप सर्वाइवर हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स एंड यू आर नॉट रेडी टू बियर अ चाइल्ड। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से बहुत सारे अबॉर्शन कराने पड़ते हैं। बट दैट चॉइस वॉज नॉट अवेलेबल टू सिंगल अनमैरिड मदर, राइट। That means sex outside marriage या फिर जो लिविन जैसे कॉन्सेप्ट हैं उनको ये लेजिटिमाइज नहीं करता। तो एक तरीके की मॉरल पॉलिसिंग हो जाती है, दैट मीन्स सोसाइटी आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही है। सो दैट वॉज एन इशू कि एक तो सेक्स आउटसाइड मैरिज को आपको ये क्या करता है, इलेजिटिमाइज कर रहा था, और साथ में वुमेन को रिप्रोडक्टिव चॉइसेस नहीं दे रहा था, राइट। क्योंकि इफ़ अ सिंगल मदर, उसकी भी तो चॉइसेस होती हैं, उसके भी तो अधिकार हैं, उसकी बॉडी ऑटोनॉमी कहाँ चली गई। एडिंग टू द फैक्ट कि आर्टिकल 29 में इंक्रीजिंगली ये ऐड किया जाता है कि रिप्रोडक्टिव जो चॉइस होती है और जो बॉडीली ऑटोनॉमी होती है वो किसी भी इंसान का अधिकार है, औरत का भी उतना ही अधिकार है। एंड दिस वॉज ऑल्सो सेड इन सुचिता श्रीवास्तव जजमेंट ऑफ 2019 में, जो आपकी रिप्रोडक्टिव राइट है उसको आर्टिकल 19 के अंदर आपका फंडामेंटल राइट भी बता चुका था। बट डिस्पाइट दिस ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस उस टाइम पर नहीं हुआ था। तो ये था आपका एथिकल। तो पहला आपने प्रोसीजरल क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद आपने एथिकल क्वेश्चन पूछा, साथ में आता है टेक्निकल क्वेश्चन।
रीजन इज विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आपका जो ड्यूरेशन है जब तक अबॉर्शन किया जा सकता है वो बढ़ चुका है. पहले कम से कम आई थिंक 12 वीक तक ही पॉसिबल था, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती थी. आपने काफ़ी मूवीज देखी होंगी, अब अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है, नहीं तो बच्चे या माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है. तो एक टाइम पीरियड होता है जब तक ना अबॉर्शन करा सकते हैं, पर ये बढ़ के काफ़ी कंट्रीज़ में 20 तक हो चुका है और काफ़ी कंट्रीज़ में तो 28 वीक तक भी पॉसिबल है कि अबॉर्शन हो सके. So there is काफ़ी with the advancement in technology, it is possible to abort a baby even in delayed cases. तो ज़्यादा अगर late हो जाता है एक particular duration तक ये बढ़ चुका है, तो जो reflection of change in technology वो होना चाहिए कि आपकी technology बदल चुकी है. पहले 12 week तक difficult होता था, 20 week तक आसानी से कर सकते हैं, 28 तक भी कर सकते हैं. तो जो technological changes हैं वो legally भी क्या होने चाहिए, visible होने चाहिए. तो ये तीन आपके सबसे बड़े problem थे. इश्यूज तो आपके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद कौन कौन से रखने हैं. अब आपको तीन हेडिंग्स में याद रखने हैं. सबसे पहले तो जो आपका प्रोसीजरल इशू था, दूसरा आप याद रखेंगे आपके जो एथिकल आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, और तीसरे जो आपके टेक्निकल इश्यूज हैं. इन तीन हेडिंग्स में आप अपने इश्यूज याद रखेंगे. समझ में आया? अब जब ये इश्यूज हो जाते हैं तो अब इसका सोल्यूशन आना चाहिए. अब इसका सोल्यूशन क्या क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द अमेंडमेंट जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1971. तो हम अब यही चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से जो एक्ट है वो हमारा 1971 के एक्ट से डिफरेंट हो जाता है. तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ थी वो प्रोसीजरल इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी. इसमें क्या किया गया, जब जेस्टेशन लिमिट बढ़ा दी गई. जेस्टेशन लिमिट मतलब जहाँ तक अबॉर्शन आसानी से हो सकता है, जिसके बाद पॉसिबल है, पॉसिबल आपका नहीं होता कि आप अबॉर्शन नहीं करोगे. नाउ अर्लियर ये जो थी ये 20 वीक के आसपास थी, 20 वीक्स के आस बाद में कोर्ट के पास आपको जाना पड़ता था. अब ज़रा एक कंपैरिजन करते हो, उससे आपको याद हो जाएगा. नाउ दिस इज़ लाइक दिस. अब ये हमारा, इमेजिन कर लीजिए हमारा बोर्ड है, तो ये हमारा 1971 का एक्ट हो गया और ये हमारा हो गया 2021 का एक्ट. तो इसमें सब इस वाले एक्ट में क्या हुआ, पहले आपका जब तक आपके 12 वीक आपका एक मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको चाहिए होता है, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको चाहिए होता है अगर प्रेगनेंसी 12 वीक तक की है तो. इसका अप्रूवल अगर प्रेगनेंसी 12 वीक तक की है और आपको अगर तब टर्मिनेट करना है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अप्रूवल आपको चाहिए होता है. लेकिन इस वाले एक्ट में नाउ टिल 20 वीक दिस इज अलाउड, राइट? तो जेस्टेशन पीरियड जो है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे बढ़ा है. अगर बाय द वे 12 वीक से लेके 20 वीक वाला केस है तो कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अप्रूव करना होता था, बट अब 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तब अप्रूव करते हैं जब प्रेगनेंसी 20 वीक से लेके 24 वीक तक हो जाए, ठीक है? और लेकिन इसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना जरूरी है, सेंसिटिव केस है, तो ऐसे केस में दिस वाज अलाउड, मोर देन 20 वीक वाज अलाउड, बट आपकी कोर्ट इसमें क्या करता था, कोर्ट की रजामंदी चाहिए होती थी. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मतलब कि आपको बेबी अबॉर्ट करना है तो कोर्ट जैसे कमरसम प्रोसेस में जाने की ज़रूरत है. इसके लिए कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं था ना. अब इस केस में पहली बात तो मोर देन 24 वीक्स के केस में ही आपको इस प्रोसेस से बाहर जाना पड़ेगा. जब मेडिकल प्रैक्टिशनर से आगे जाना हो उसके लिए भी क्या है, स्टेट लेवल पे मेडिकल बोर्ड बनाए जाएंगे. स्टेट लेवल पे आपके क्या होंगे, मेडिकल बोर्ड बनेंगे जो कि इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, ओवरऑल जेस्टेशन लिमिट बढ़ा दी गई, ठीक है? आपने याद करना है सबसे पहले जेस्टेशन लिमिट, कि पहले 12 वीक में एक चाहिए था, अब 20 वीक तक सिर्फ एक चाहिए. अब पहले 12 वीक से 2 वीक के लिए 2 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए थे, अब 20 से लेकर 24 वीक के केस में 2 चाहिए. अब यहाँ पे 20 वीक से जब ज़्यादा हो जाते थे तो कोर्ट में जाना पड़ता था. यहाँ पे क्या है, अगर 24 वीक से ज़्यादा हो जाएंगे तो आप स्टेट मेडिकल बोर्ड के पास जाएंगे जो कि इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है. तो जो सबसे पहला बेनिफिट था वो ये था, जेस्टेशन लिमिट बढ़ा दी गई. ना ऑल्सो 24, एक और चीज़, 24 वीक्स के बाद भी आपका अबॉर्शन अलाउड है. ऐसा नहीं कि लिमिट सेट कर दी है, 24 वीक्स के बाद जो हम देखें ना कि मेडिकल बोर्ड आपका बन रहा है, ये सिर्फ कुछ ही केसेस में, सभी केसेस में नहीं है, और वो 7 कैटेगरीज हैं. जैसे इसमें आते हैं आपके रेप सर्वाइवर हो या फिर आपकी माइनर गर्ल हो, राइट?
तो ये आपके हो जाते हैं। इसके साथ और भी कुछ छोटे मोटे केसेस हैं, जैसे आपका फिजिकल डिफॉर्मिटी है या फिर मेंटल इलनेस है इस केस में, और वुमेन बिकम सिंगल मतलब मैरिटल स्टेटस बदल गया है कि डाइवोर्स हो गए हैं और विडोड हो गए हैं एंड नॉट रेडी टू कैरी अ चाइल्ड, इस वाले केसेस में भी हो सकता है। सो ओवरऑल देयर 7 कैटेगरीज आपकी क्रिएट की गई हैं, जैसे केस में क्या होगा कि 24 वीक की जो लिमिट है उसको भी क्रॉस किया जा सकता है। तो ये जो लिमिट है ये इन केसेस में क्रॉस होगी और इसको देखेगा कौन? स्टेट मेडिकल बोर्ड। और एक चीज़ और, यहाँ पे स्टेट मेडिकल बोर्ड बनाने के बाद ना टाइम लिमिट भी सेट कर दी गई है कि कब तक आपको जजमेंट दे देनी है। मैंने कहा था ना कोर्ट के केस में क्या है, कोर्ट के पास केस जा रहा है, लिमिटेड आपके पास पीरियड है, और यहाँ हमारी कोर्ट की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। उससे बचने के लिए ना तो सिर्फ कोर्ट का काम स्टेट मेडिकल बोर्ड को दिया गया, इसी के साथ स्टेट मेडिकल बोर्ड पे भी टाइम लिमिट लगा दी गई है कि आप 3 दिन में तो डिसीजन लो करना है या नहीं करना। दूसरा, अगले 5 दिन में अबॉर्शन हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ लिमिट इज़ बीइंग गिवन, कि जो लिमिटेड टाइम है उसको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की कोशिश की गई है। 3 दिन में डिसीजन लो और 5 दिन में अबॉर्शन आपका हो जाना चाहिए इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड। सो इन दिस वे ये ओवरऑल ये क्या माना जाता है, बहुत ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। तो याद रखना है, सबसे पहले जेस्टेशन लिमिट बढ़ाई गई है। आपका पहला जो पूरा का पूरा पार्ट है आप इसी से एक्सप्लेन करोगे कि किस तरीके से जेस्टेशन लिमिट बढ़ाई है, किस तरीके से 24 वीक का एक्सेप्शन आया है, और कैसे स्टेट मेडिकल बोर्ड उसको क्या कर रहा है, आपको इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब आते हैं सेकेंड सेट ऑफ इसके जो वो है, सेकेंड सेट ऑफ चेंजेस किस तरीके से हैं इसमें। नाउ इन सेकेंड सेट ऑफ चेंजेस इसमें देखा गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कैन ऑल्सो बी साइटेड एज अ रीज़न। अब मैंने पिछली बार क्या बोला था, सिंगल मदर के अगेंस्ट आता था ये, सिंगल अनमैरिड वुमेन वो रीज़न नहीं साइट कर पाती थी, बट नाउ इन दिस केस इस वर्ड को चेंज कर दिया गया फ्रॉम वुमेन और टू वुमेन और हर पार्टनर। पहले वुमेन एंड हर हस्बैंड हुआ करता था, राइट? सो वी वर अज्यूमिंग कि वुमेन इज मैरिड, बट अब क्या है, नहीं, वुमेन एंड हर पार्टनर, और उसका पार्टनर अनमैरिड हो सकता है। सो मे बी दे बोथ ऑफ देम आर इन लिविंग। सो इट इज़ द केस जहाँ पर थोड़े प्रोग्रेसिव आपके नॉर्म्स आने लगे हैं। साथ में इसको इसलिए प्रोग्रेसिव माना जा रहा है कि ये प्राइवेसी को भी एक्टिवली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे पहले क्या था, इन केस अगर आप ऐसी वुमेन द वन हु इज सीकिंग एनी हेल्प, अगर आप उसके इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हो तो 1000 रुपये का फाइन लगता था, बट अब फाइन के साथ आपको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, बिकॉज ऑफ विच इज़ अ वेरी गुड इंसेंटिव कि आप इन्फॉर्मेशन ना लीक करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहे। सो दिस ये इस तरीके से आपका ओवरऑल क्या है, एक्ट बहुत आपका क्या है, रिफॉर्मेटिव है। तो सबसे पहले जेस्टेशन लिमिट से याद रखिए, उसके बाद आप कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर प्राइवेसी के नॉर्म एक्स्ट्रा जरूर डालेगा, और इसी सीक्वेंस में पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर बाद में आपके जो दूसरे पॉइंट्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इश्यूज के बारे में कि लेजिस्लेशन है तो बहुत अच्छा बट इसमें कुछ दिक्कतें हैं, और जो सबसे पहली दिक्कत है वो है मेल चाइल्ड प्रेफरेंस की। हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ पे जब आप रिफॉर्म लेकर आते तो उसमें भी लोग रास्ते निकालने के किस तरीके से अपना मकसद फुलफिल करने के लिए इसको यूज़ किया जाए। नाउ इसमें क्रिटिक्स आर टॉकिंग अबाउट कि यू हैव लेजिटिमाइज द अबॉर्शन इन दिस केस, नाउ दिस कैन बी मिसयूज्ड टू प्रमोट द मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, कि आपका अबॉर्शन हो रहा है और वो अबॉर्शन एक्चुअली आपका फीमेल का ज़्यादा होगा। साथ में इट टॉक्ड अबाउट कि अभी भी ना वुमेन इज डिपेंडेंट ऑन मेडिकल बोर्ड, वुमेन की अटोनमी अभी भी आपको नहीं दी है, शी इज नॉट मेकिंग चॉइसेस इवन नाउ बिकॉज शी इज डिपेंडेंट अपॉन द ओपिनियन ऑफ अ मेडिकल बोर्ड या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर। एंड ऑफन ये जो लोग हैं ये भी हमारे ही समाज से निकले हैं, और जो पेट्रियार्की समाज में होती है वो इनके अंदर भी होती है ना। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि वुमेन को अभी भी अटोनमी नहीं मिली है, वो डिपेंडेंट है। साथ में इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि ये जो फैसिलिटी है मे बी शायद अर्बन वुमेन यूज़ कर सकती है, बट रूरल वुमेन अभी भी नहीं यूज़ कर पाती, क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है, क्योंकि स्पेशल डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है इस तरीके का काम करने के लिए ना। दोस्त स्पेशलाइज डॉक्टर जो कि स्पेशलाइज कर चुके अपने फील्ड में वो अवेलेबल नहीं होते। 75% शॉर्टेज आपके रूरल एरियाज में देखी जा सकती है, बिकॉज ऑफ विच ये बहुत सवाल उठाते हैं। साथ में आता है वायबिलिटी ऑफ फिटस। अब As I talked about कि हमारे जो एक्ट में 24 वीक्स तक माना गया है कि स्टेटस मतलब फीटस को आप वाइबली टर्मिनेट कर सकते हो, बट उसके बाद आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। बट देन इट इज़ सेड कि टेक्नोलॉजी कहीं कहीं तो 20 वीक पे रुकी हुई है और कहीं कहीं ना 28 वीक पे भी पहुंच गई है। तो कौन से पैरामीटर पे आपने डिसाइड किया
कि इंडिया में 24 वीक है, बिकॉज मेनी वेस्टर्न कंट्रीज में 28 वीक्स भी है, बट कहीं कहीं इंडिया में 20 वीक्स पे भी कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं. और ये वुमेन टू वुमेन भी डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कैसी है. सो दिस इज वेयर द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड कि आपने ये पैरामीटर कैसे सेट किया. तो चलिए, ये तो थे सवाल निशान, बट ओवरऑल देयर आर मेनी पॉजिटिव थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड फ्रॉम दिस एक्ट, इंक्लूडिंग कि इससे जो हमारी बहुत हद तक प्रिवेंटिव जो हम आपकी मैटरनल मोर्टालिटी है उसको कम कर सकते हैं, वो जो हम प्रिवेंट कर सकते थे बट हो नहीं रही थी. हमारी इससे MMR कम हो सकती है. इसके साथ हम STG के बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जैसे 3 and 5. 3 आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें 3.1 समथिंग आपका मेटर्नल हेल्थ से डील करता है. साथ में 5 जो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वल जेंडर ट्रीटमेंट से डील करता है, उससे भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वुमेन को भी बराबरी से दे रहा है. इसके साथ वुमेन को एक डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी, जिसमें उसके पास ऑटोनॉमी भी होगी और उसके पास कॉन्फिडेंशियलिटी भी होगी. सो ओवरऑल दिस इज व्हाट दिस एक्ट इज वेरी प्रोग्रेसिव. और इसके जो इशू से डील करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल रिकंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें, जहाँ पे हम लोगों की सोच को बदलें, जिससे कि ओवरऑल वो वुमेन की ऑटोनॉमी को प्रमोट करें. जिसमें लीगल एक्ट तो आप लेकर आए हो, बट वो फुलफिल तब होंगे जब सोसाइटी इसके लिए तैयार होगी. और साथ में रिसोर्स को अलोकेट कीजिए रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे रिसोर्स की कम होने की वजह से वो उस एक्ट को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे. इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है. आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिए. थैंक यू सो मच. करंट अफेयर्स बाय फोरम IAS इज एन ऑल इन वन प्रोग्राम दैट कवर्स द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव. लास्ट ईयर वी हैव हेल्प्ड मोर देन 100 स्टूडेंट्स क्रैक IAS विद आवर करंट अफेयर्स क्लासेस.